Assalamu alaikum. This is Dr. Muhammad Sohaib Khan, and today in Excemy series, we will be discussing about how to take history. History taking जो है basically एक बहुत important part है हमारे OSCE का. ये ना सिर्फ हमें third year, fourth year, final year में काम आएगा, बल्कि even as a house officer, postgraduate और जब आप consultant बन जाएंगे, इसकी आपको भरपूर ज़रूरत पड़ेगी. So you need to be really good in it. आपको अच्छे से skills अभी से develop करनी आनी चाहिए. तो आज के इस मौजू में हम बेसिक स्टेप्स बताएंगे आपको कि हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या स्टेप्स हैं और उसको आपको किस तरीके से अप्रोच करना है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड टेकिंग कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट. हमारे पास यहाँ पे एक पेशेंट मौजूद हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा डेमो दूंगा कि किस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और इनसे कंसेंट लेंगे. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सोहेब खान है और मैं हाउस ऑफिसर हूँ. मुझे आपकी बीमारी से रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछने हैं ताकि आपके मर्ज की तशखीस हो सके. क्या आपकी इजाज़त है? जी बिल्कुल. जैसे कि आप जानते हैं कि पेशेंट ने हमें कंसेंट दे दी है कि हम उनसे उनकी बीमारी के हिसाब से सवाल पूछ सकते हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप आफ्टर दैट वुड बी टेकिंग द बायोडाटा ऑफ द पेशेंट. इसमें आप उनसे उनका नाम पूछेंगे, उनके फादर का नेम पूछेंगे ताकि आइडेंटिफिकेशन में आपको हेल्प हो सके, उनकी एज पूछेंगे, उनका मैरिटल स्टेटस एंड वेयर डज ही रिजाइड. आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबीर है. शबीर. आपके वालिद साहब का नाम? अहमद. अहमद. आपकी उम्र कितनी है? मैं 24 साल हूँ. 24 साल. शादीशुदा हैं आप? नहीं. अच्छा, काम क्या करते हैं आप? मैं बैंक में काम करता हूँ. और रिहाइश आपकी कहाँ की है? मॉडल कॉलोनी में. सही. वंस यू आर डन विद बायोडाटा, you need to move on taking the presenting complaint. Presenting complaint is always taken and mentioned in a chronological order. मतलब जो बीमारी जिस complaint से वो आए हैं, जो उन्हें सबसे पहले महसूस हुई है, उसको आप सबसे पहले रखेंगे और बाद में जो उसके बाद जो complaint है उसको आप second number पर रखेंगे. किस शिकायत से आए हैं आप? डॉक्टर साहब, मुझे पिछले 10 दिनों से बुखार हो रहा है. बुखार के साथ और कोई शिकायत? मुझे बुखार के साथ मुझे सीने में दर्द हो रहा है और उस 2 दिन पहले मुझे लूज मोशन भी हो रहा था. अच्छा, सीने में दर्द आपको कब से हो रहा था? सीने में दर्द जब बुखार शुरू हुआ था उसी वक्त ही दर्द हो रहा था मुझे. अच्छा, जैसे कि हमारे पेशेंट ने हमें बताया कि उन्हें बुखार 10 दिन से हो रहा है और लूज टूज जो उन्होंने बताया वो उन्हें 14 दिन से हो रहे हैं, तो हम जब अपनी ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट मेंशन करेंगे तो हम सबसे पहले लूज टूल्स को रखेंगे क्योंकि ड्यूरेशन लूज टूल्स का ज़्यादा है बनिस्बत उसके बुखार से. सो वी विल मेंशन कि लूज टूल्स, द पेशेंट इज हैविंग लूज टूल्स सिंस 14 डेज. आफ्टर दैट द पेशेंट डेवलप फीवर विच हैज बीन फॉर अराउंड 10 डेज. और फीवर के साथ साथ आपने क्या कंप्लेंट बताई थी? मुझे सीने में भी दर्द हो रहा है. चेस्ट पेन की भी कंप्लेंट ये बता रहे हैं, तो वो भी सिमिलर ड्यूरेशन की है. अगर इन केस कोई भी कंप्लेंट सिमिलर ड्यूरेशन की हो जाती है तो इसमें आप सिवेरिटी पूछते हैं कि पेशेंट को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा तंग कर रही है. ये बुखार की तकलीफ से आप यहाँ पे आए हैं असल, या फिर आपके सीने में जो दर्द है? मुझे बुखार की तकलीफ से मैं आया. सो नाउ दैट द पेशेंट हैज टोल्ड यू कि उन्हें फीवर की ज़्यादा उन्हें कंप्लेंट है, तो फिर फीवर को हम फिर पहले रख देंगे और फिर उसके बाद चेस्ट पेन को. मूविंग ऑन फर्दर व्हेन वी आर डन विद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, हम इसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पे आते हैं जिस पे हम जो भी उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है उसको डिटेल में लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल, पेशेंट ने हमारे कंप्लेन की थी लूज टूल्स की, तो लूज टूल्स में हम उसकी कंसिस्टेंसी, उसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स, उसके साथ आया कोई इन्हें ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही, वॉमिटिंग, नोजिया, इस तरीके से हम कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे और जो जो भी उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन थी उनको हम डिटेल में पूछेंगे. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन के बाद हमें सिस्टमिक रिव्यू करना होता है जिस पे हम जिस कंप्लेन के साथ, फॉर एग्जांपल लूज टूल्स के साथ आए, तो हम जीआई के सिस्टम को पहले ही अपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में पूछ लेंगे. सिस्टमिक रिव्यू के अंदर हम बेसिक ओवरव्यू लेंगे सारे सिस्टम का. हम स्टार्ट करेंगे सीएनएस एग्जामिनेशन से, सर दर्द का पूछेंगे हम उसमें, और उसके बाद जितनी भी सीएनएस रिलेटेड डिजीजेज या उनकी कंप्लेंट्स हो सकती हैं उसके हवाले से हम इनसे मज़ीद मालूम लेंगे. हम अपनी सेपरेट वीडियो में आपको जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं हिस्ट्री टेकिंग के उस पर हम डिटेल में आपको बताएंगे कि इन पार्ट्स में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं और कैसे आपको जो भी सिम्टम्स होंगे, साइंस होंगे, उनको रूल आउट करना है. सीएनएस हो जाएगा, कार्डियोवेस्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा, एब्डोमिनल जीआई सिस्टम आपका हो जाएगा, यूरिनरी सिस्टम आपका हो जाएगा, एंड सो ऑन. सिस्टमिक रिव्यू के बाद आप पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री पर आते हैं. पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अंदर आप पेशेंट से पूछते हैं कि वो पहले कभी किसी भी मर्ज की वजह से अस्पताल में दाखिल हुए, कभी उन्हें टीबी, जॉन्डिस, मलेरिया, टाइफॉइड या किसी भी वजह से कोई दवाई का लंबा कोर्स तो नहीं लेना पड़ा,
जो कि हम अक्सर और बेशतर पास ड्रग हिस्ट्री में अलग से मेंशन कर देते हैं या फिर कभी कभी पास मेडिकल हिस्ट्री के अंडर भी इंक्लूड कर देते हैं। इसके अंदर हम इनसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज और एलर्जीज के भी बारे में पूछ सकते हैं। पास मेडिकल के साथ साथ हमने पास सर्जिकल हिस्ट्री के भी बारे में पूछना होगा कि पहले कभी इनका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड PCI या कैबेज, सिमिलरली कोई भी सर्जरी अगर इनकी प्रीवियसली हुई भी हो तो हम उसको भी मेंशन करेंगे। पास सर्जरी के बाद, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था पास मेडिकल में कि हम पास ड्रग हिस्ट्री को अलग से भी रख सकते हैं, तो पास ड्रग हिस्ट्री में हम पेशेंट की वो ड्रग्स मेंशन नहीं करेंगे जो कि वो नॉर्मली वैसे ही कभी अगर उसे दर्द उठा तो उसने ले ली, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को बुखार महसूस हुआ उसने पैनाडोल ले लिया, या फिर किसी को कोई दर्द महसूस हुआ तो उसने पेन किलर ले लिया। ऐसी मेडिकेशंस को हम पास ड्रग हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड नहीं करते, हम सिर्फ वही मेडिकेशंस इंक्लूड करेंगे जो कि वो लंबे पीरियड से लेते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो वो एंटी हाइपरटेंसिव को ले रहा है, खाता हुआ आ रहा है, यूज कर रहा है या नहीं। सिमिलरली अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो हम उनसे इंसुलिन और होरल हाइपोग्लाइसेमिक्स के बारे में पूछेंगे। पास ड्रग हिस्ट्री के बाद हमारे पास आता है फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री एंड सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम बेसिकली हम पेशेंट के मैरिटल स्टेटस से पता करेंगे कि ही इज़ मैरिड और अनमैरिड, और साइड बाय साइड हम उन उसके जो भी डॉटर्स एंड सन्स हैं उनके बारे में पूछेंगे, कितने बच्चे हैं उनके पास, आया उनमें कोई बीमारी तो नहीं है, और सिमिलरली हम उनके सिबलिंग्स और पेरेंट्स के भी बारे में पूछेंगे कि उनमें कोई ऐसी सर्टेन डिजीज लाइक फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, और एट टाइम्स अगर उनके दादा वगैरह या किसी पे जो भी बुज़ुर्ग हैं उनमें कोई कैंसर वगैरह की कोई हिस्ट्री तो नहीं रही है। इससे हमें कुछ आइडिया हो सकता है कि जो हेरिडिटरी डिजीज़ होती हैं वो उनमें भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प इन विथ योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट्स प्रेजेंटिंग कंप्लेन। सिमिलरली फैमिली हिस्ट्री के साथ पर्सनल हिस्ट्री में हम पेशेंट की एडिक्शंस के बारे में पूछेंगे कि उसे स्मोकिंग की तो आदत नहीं है, सिमिलरली उसे पान, गुटखा, छाल या नसवार या फिर अल्कोहल की तो आदत नहीं है जो कि वो यूज़ तो नहीं करते रेगुलर बेसिस में। अगर वो यूज़ करते हैं तो आप उनसे पूछेंगे कि ये रेगुलरली यूज़ करते हैं या फिर बीच बीच में कभी वैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन का भी इस पर काफ़ी इम्पेक्ट रहता है। पर्सनल हिस्ट्री में ही आप मज़ीद उसके इकोनॉमिक स्टेटस को भी पता कर सकते हैं कि घर पर कितने अफराद साथ रहते हैं, इसको आप सोशो इकोनॉमिक में भी इंक्लूड कर सकते हैं कि हाउ मैनी पीपल लिव इन द सेम हाउस होल्ड, घर उनका कच्चा मकान है, पक्का मकान है, उसमें गैस, बिजली, पानी की सप्लाई मौजूद है या नहीं है, पानी का इस्तेमाल जो वो रखते हैं बॉइल्ड पानी पीते हैं या फिर टैप वाटर यूज़ करते हैं, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग का भी थोड़ा आइडिया हो सकता है। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हमें डिजीज़ रिलेटेड ये आइडिया भी मिल सकता है कि अगर वो 5 से 6 अफराद एक ही रूम में रहते हैं तो कांटेक्ट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ डिजीज़ ऐसे होती हैं जो कि क्लोज कांटेक्ट में स्प्रेड जल्दी करती हैं, तो फिर हमें कांटेक्ट ट्रेसिंग भी करनी होती है ऐसे पेशेंट्स में। एग्जामिनर्स ये भी पसंद करते हैं कि आप अलग से ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री के भी बारे में पूछें। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में हमारे पास पेशेंट जो काम करता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पेशेंट हमारा फार्मर है तो देर आर मैनी डिजीजेज जो कि आप वैसे ही ऑक्यूपेशन से आप पता कर सकते हो कि इफ़ ही इज़ अ फार्मर then he might be having occupational lung disease। coal worker में आपको occupational lung disease मिल सकती है, coal worker pneumoconiosis जिसे हम कहते हैं। और occupation में अगर वो heavy lifter है तो अगर वो gastric pain या फिर abdominal pain के साथ आ रहा है तो आप सोच सकते हो कि कहीं उसे hernia की तो कोई शिकायत नहीं है। लास्टली आप जब बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएं अपनी हिस्ट्री से, आप अपने पेशेंट का शुक्रिया अदा करें उनके टाइम के लिए और फिर अपनी डिफरेंशियल्स की तरफ फिर आप सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच।